जांच या भ्रूण हत्या के आरोप में डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया है। ये खबरें आपने सुनी होगी, लेकिन शायद ही आपने कभी सुना होगा कि बेटे की चाह में गलत काम के लिए डॉक्टर को लाखों की पेशकश करने वाले को खुद डॉक्टर ने ही गिरफ्तार करवा दिया। पूरी कहानी देखिए इस रिपोर्ट में और हमें इजाजत दीजिए। मैं डॉक्टरों से पूछना चाहता करना उसको, क्या आप इस बात में भागीदार बंद कर दो। डॉक्टरों को अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि आपकी जिम्मेवारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम की शुरुआत करते वक्त डॉक्टरों के अंतरात्मा को झंझोड़ने वाला ये भाषण दिया था। उन्होंने अपील की थी कि कन्या भ्रूण हत्या जैसे एक पाप को रोकने के लिए डॉक्टर भी अपनी जिम्मेदारी समझे। अपनी इसी जिम्मेदारी को हिसार के एक डॉक्टर ने ना सिर्फ समझा है बल्कि उस पर अमल भी किया है। मिलिए इनसे, नाम है अनुराग बिश्नोई, पेशे से डॉक्टर है और अपने पेशे के प्रति पूरी तरह से ईमानदार। जी हाँ, अनुराग बिश्नोई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उन शब्दों पर अमल करते हुए एक मिसाल पेश की है जिसमें पीएम ने बेटियों को बचाने के लिए डॉक्टरों से भी भावुक अपील की थी। आपको पढ़ाया गया है किसी की जिंदगी बचाने के लिए, आपको पढ़ाया गया है किसी की पीड़ा को मुक्त करने के लिए, आपको बच्चियों को मारने के लिए शिक्षा नहीं दी गई। दरअसल मामला कुछ यूं है, हिसार में एक फर्टिलिटी सेंटर चलाने वाले डॉक्टर अनुराग बिश्नोई के पास दिल्ली से आदेश नाम का एक एयरलाइन का कर्मचारी पहुंचा। उसने डॉक्टर को बताया कि वो पहले ही दो बेटियों का पिता है और वो अब सरोगेसी के जरिए एक बेटे का पिता बनना चाहता है। पेशेंट हमारे पास आया है, वो सरोगेसी के थ्रू दिल्ली जा रहा है, तो जबकि उसकी वाइफ की एज 44 है। सरोगेसी से पूछा, आप सरोगेसी से क्यों जा रहे हैं? तो मेरा भी इसका ताकि जो है मेरा अगर मेल बेबी हो तो हम उसको कंटिन्यू करेंगे। बेटे की चाह में आर्यन किस कदर अंधा हो चुका था इसका अंदाजा उसकी बातों से लगाया जा सकता है। आरोप के मुताबिक आर्यन ने डॉक्टर को कहा कि उसके लिए एक सरोगेट माँ का बंदोबस्त करें और सरोगेट तकनीक से महिला प्रेग्नेंट हो तो उनके पेट में पड़ रहे भ्रूण की जांच की जाए, अगर लड़का हुआ तो ठीक, लेकिन लड़की हुई तो पेट में ही उसकी हत्या कर दी जाए। तो मैंने उसको समझाने की कोशिश में, देखिए यहाँ पर ऐसा नहीं होता, कहता नहीं सर मैं तो हम लोग बाहर नहीं जा सकते हैं और हमने तो आपकी सर्विसेज ही अवेल करना चाह रहा हूँ। अच्छा। और हमें कहीं से पता चला है कि फर्टिलिटी सेंटर्स में ये काम होते हैं। डॉक्टर बिश्नोई ने आर्यन को दो टूक शब्दों में जवाब दे दिया। डॉक्टर ने आर्यन के नापाक इरादों को कामयाब करने से साफ मना कर दिया। आर्यन ने डॉक्टर को पैसों का लालच भी दिया, लेकिन अनुराग बिश्नोई का जमीन नहीं डगमगाया और आर्यन पैसों से ईमानदार डॉक्टर को नहीं खरीद सका। आखिरकार डॉक्टर की कोशिशों से आज आर्यन तलाकों के पीछे है। डॉक्टर साहब ने उनसे रीजन पूछा तो उन्होंने ये कहा कि मेरे दो बेटियां ऑलरेडी और मेरे को बेटा चाहिए। डॉक्टर साहब ने उनको समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन वो आदमी बार बार इंसिस्ट करने लगा कि आप मेरा टेस्ट कीजिए और मेरे को लड़का चाहिए चाहिए, जिसकी डॉक्टर साहब ने एक रिटर्न कंप्लेंट हमें थाने में दी, जिसकी कंप्लेंट के बेस पर हमने साहब उनको मुक्ता से पकड़ के अरेस्ट किया। बेटियों को बचाना और उन्हें पेट में मारने की मंशा रखने वालों को एक्सपोज करना ये डॉक्टर का भी फर्ज है। अनुराग बिश्नोई ने यह फर्ज निभाकर एक मिसाल पेश की। जरूरी है कि और भी डॉक्टर अपने फर्ज को समझें और उसे निभाएं ताकि बेटियों को बचाया जा सके। हिसार से कैमरामैन राजेंद्र के साथ महेंद्र सिंह, जी मीडिया।